फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये चैप्टर 3 क्लास 2 का हिंदी बुक है और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। चैप्टर का नाम है सब माँ है। हम लोग कई सारी चीजों को माँ से संबोधित करते हैं। अपनी माँ तो होती ही है, इसके अलावा धरती माँ है, गौ माता है, गंगा माँ है, इस तरह से। तो निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ दिया होगा इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी माँ अपने घर में है। हर बालक अपनी माँ के चरणों को छूकर शिशु मंदिर आता है। वह माँ के चरणों में शीश झुकाना नहीं भूलता। शिशु मंदिर में एक अच्छा आदत ये सिखाया जाता है कि अपने माता पिता को रोज सुबह प्रणाम करके स्कूल आना है। उनके चरणों को छूकर, पैरों को छूकर स्कूल पहुंचना है। माँ ने जन्म दिया है, इसलिए वह जननी है। उन्हें नमन करना उचित है। विद्यालय में पढ़ने वाला बालक बिछावन से उठकर माँ को नमन करता है। विद्यालय आते समय झुककर आशीष पा लेता है। वह रात में माँ से कथा कहानी सुनता है, फिर प्रणाम कर सो जाता है। ऐसा बतलाया जा रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन अब उस तरह की बातें नहीं रही। पहले दादा दादी, कभी मम्मी पापा भी कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन अब बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में कार्टून देखते हैं या टीवी में कार्टून देखते हैं। अब समय गार्जियंस के पास भी उतना नहीं रहता है, जिसके कारण यह हो रहा है। तो हम लोग विद्यालय कम से कम जाते वक्त बच्चे अपने माँ का, अपने पापा का चरण छूते हैं, उसके बाद विद्यालय जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। शिशु मंदिर में इतने साथी सहपाठी हैं, भैया बहन हैं, सबकी माँ है। अपने अपने घर में सबकी माँ है। पड़ोसी के घर में जाने पर उनकी माँ प्यार करती है। विद्यालय के भैया और बहन के घर जाने पर उनकी माताएं प्यार देती है। इसलिए उनकी माँ अपनी माँ के समान है। वे सब माँ हैं, उन्हें प्रणाम करना उचित है। यह शिशु का धर्म है कि अपनी माँ तो है ही, मित्र की माँ भी माँ के समान ही है। यहाँ पे वही बतला रहा है, इसके आगे देखते हैं। माँ ने इस धरती पर शिशु को जन्म दिया है। इस धरती पर सभी रहते हैं, सभी बालक इसी जमीन पर खेलते हैं। इसी धरती पर यह शिशु मंदिर है। यहाँ सभी पढ़कर बड़े होते हैं, लव और कुश बनते हैं। इसी मिट्टी से खाने को अन्न और पीने को जल मिलता है। यह सारा जीवन इसी धरती पर पलता है, इसलिए यह धरती भी माँ के समान है। इसे माँ के समान आदर देना है, इसलिए सभी धरती माता की जय बोलते हैं। धरती माँ सबकी माँ है। यह धरती के बारे में बतला रहा है कि धरती माँ हमारी माँ है, सबकी माँ है। इसी पर हम लोग खेलते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, और इसी से हमें भोजन भी मिलता है। इसीलिए हम लोग धरती को माँ कहते हैं। भारत की धरती पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती है। एक नदी हमारे गाँव और घर के पास से बहती हुई जाती है। जल भरी नदियाँ सबकी प्यास बुझाती है। खाने के लिए अन्न और फल उपजाती है। नहाने के लिए जल देती है। जल के बिना हम जी नहीं सकते। जल माँ के दूध के समान है। नदी का जल धरती माँ का दूध है। यह सबके लिए है, इसलिए ये नदियाँ माँ के समान है। उत्तर भारत में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और सोन नदी है। दक्षिण भारत में नर्मदा, महानदी, कृष्णा और कावेरी है। गंगा को सभी गंगा मैया कहते हैं। यमुना को सभी यमुना मैया कहते हैं। इन्हें माँ समझना सही है। बतला रहा है कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं और ये नदियाँ हमारी प्यास बुझाती है। ये नदियाँ धरती माता का दूध हैं, हमारी प्यास बुझाती है, और कई सारे फसल इन्हीं नदियों की वजह से उगते हैं। इसीलिए हम लोग गंगा माँ, यमुना माँ, इस तरह से नदियों को माँ कह के संबोधित करते हैं। शिशुओं के पालन के लिए गाय घर में आ जाती है। गाय एक पशु है, चौपाया पशु है। घास भूसा खाती है, लेकिन अमृत के समान दूध देती है। दूध और दूध से बना दही और छेना, पनीर उत्तम भोजन है। गाय अपने दूध से बालक, तरुण और वृद्ध सबका पोषण करती है। इसलिए कृष्ण जी गाय को इतना मानते थे, वे गोपाल कृष्ण कहलाते थे। हम सभी बाल गोपाल कहलाते हैं। गाय पशु होकर भी माँ के समान है, उसे माँ के समान आदर मिलना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है, यह मानव का धर्म है। हम सभी गाय को गौ माता कहते हैं। गाय के बारे में बतला रहा है, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो फिर गाय ही उसे दूध देती है, उसी से वो पलता है। और कृष्ण जी को भी गाय बहुत पसंद था, वे गाय चराते थे, इसीलिए गोपाल कृष्ण कहलाते थे। तो गाय तो एक पशु है, लेकिन फिर भी वो माँ के समान है, इसीलिए हम लोग गाय को गौ माता कहते हैं। जिसके घर में गाय रहती है, उसके घर में सभी भगवान का वास होता है। मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि गाय में सभी भगवान का वास होता है, इसीलिए जो गाय को पालता है उसको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुकी है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इकरांत और इकारांत शब्द दिए हुए हैं, संयुक्त शब्द दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें शब्दों के अर्थ 3 नंबर में दिए हुए हैं। इसमें जननी, जैसे कि जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, नमन मतलब झुकना, प्रणाम करना। 4 नंबर में वाक्य बनाकर लिंग निर्णय करें।
ये जो शब्द दिए हुए हैं इसको इस प्रकार से वाक्य बनाना है जिससे पता चल जाए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में दिया हुआ है, ये इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। और इसमें 6 नंबर में एक वचन से बहुवचन बनाना है इसको। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ। यह चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। माँ को जननी क्यों कहा जाता है? माँ ने हमें जन्म दिया है इसलिए माँ को जननी कहा जाता है। धरती को धरती माँ क्यों कहा जाता है? हम सब इसी धरती पर रहते हैं, इसी मिट्टी से खाने को अन्न और पीने को जल मिलता है, इसी पर हमारा जीवन पलता है, इसीलिए धरती को माँ कहा जाता है। नदी का जल क्या है? नदी का जल धरती माँ का दूध है। भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं? भारत में गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ हैं। नदियों से क्या लाभ है? नदियाँ सबकी प्यास बुझाती है तथा खाने के लिए अन्न और फल उपजाती है। गोपाल कृष्ण का क्या अर्थ हुआ? गोपाल कृष्ण का अर्थ है गाय को पालने वाला। क्या एक पशु को गौ माता कहना उचित है? हाँ, एक पशु को गौ माता कहना उचित है क्योंकि गाय अमृत के समान दूध देती है, गाय के दूध से सबका पोषण होता है। यह है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वाक्यों को बहुवचन बनाने के लिए कहा गया था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको बहुवचन बना दिया है, इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। हमारे वीडियो से आपको पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।